धीमी बरसात ने बढ़ाई शहरवासियों की चिंता। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी बनी तालाब, जहां एक तरफ गर्मी के मौसम में बरसात लोगों को राहत देती है, सब्जियों का इसका बुरा असर भी देखने को मिलता है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी जहां थोड़ी सी बरसात से ही तालाब का रूप धारण कर लेती है, जहां सब्जी खरीदना तो दूर, लोगों का यहां से निकलना मुश्किल है। रात हुई धीमी बरसात ने मंडी को तालाब बना दिया। इस मंडी में तालाब जैसी समस्या कई वर्षों से आ रही है। मार्केटिंग बोर्ड बरसात का पानी निकालने का कोई प्रबंध नहीं करता, जिससे सब्जी मंडी तालाब में बदल जाती है। आपका नाम राजेश है। राजेश, मंडी में पानी भर रहा है और आपकी जिम्मेवारी दी गई है, तो ये कैसे पानी भर जाता है और अब तक क्यों नहीं निकाला गया? ये पानी चल रहा है जी, मोटर चल रही है क्या, पुल का सारा पानी यहीं आ रहा है, झील है मंडी की है, मंडी में सारा पानी स्टॉप हो जाता है, फिर ये सारे कॉलोनी का पानी भी आ रहा है, सीवर सारी मंडी के भी सीवर है जी, ये सीवर सारे ओवर हो जाते हैं, फिर मंडी में पानी जाते हैं। किसकी इसमें लापरवाही है? इसमें लापरवाही क्या बाबू जी, मोटर चल रही है साहब, यहाँ में देखो लाइट आ रही है जा रही है बार बार। तो इसमें ट्यूबवेल दोनों के अलग है क्या, कॉलोनी और मंडी की? ये ऐसा बाबू जी, मंडी का अलग है साहब जी और कॉलोनी का अलग है साहब। अच्छा, तो कोई ऐसा कोई अभी समाधान नहीं हो जाए, पानी भर जाता है तो इसका अभी तक कोई ऐसा? ऐसा जी, करी बिहार की लाइन लग जा रही है यहाँ से, वहाँ की मोटर चलती है रिपेयर की, तो यहाँ 50 की लग रही है, ये मोटर बंद रहती है, क्यों बंद रहती है, बेग पानी आता है, इस मारे पानी उठाते नहीं है। तो कब तक पानी निकल जाएगा? ये पानी जब निकलेगा जी, वहाँ की मोटर बंद जाएगी हरी बिहार की, तो ये चल जाएगी समरसेवर वाली, तो पानी धुआंधार चलेगा यहाँ से, तो लोगों काफी परेशानी आ रही, सब्जी लेने वाले भी आ रहे हैं, परेशानी आ रही, तो हम भी देखो चोट लगी पड़ी, देखो पूरे सूजे पड़े हैं, लगे पड़े हैं जी, कबाड़ निकालने कोई खतरा आ जाए, मोटर में सब चीज में लग रहे साहब। अच्छा, ये भाव जी, क्या नाम है आपका? पानी भरा हुआ मंडी में ऐसे भरा रहता है कि हर बार ऐसे भर जाए भाई? अच्छा, फिर निकाला नहीं जाता है? निकालेंगे क्या, मोटर ही ना चलाएं वो? अच्छा, शिकायत लेके जाते हैं, आई भी उनसे कई बार, तो कह दीजिए करेंगे चालू। अच्छा, लाइट आ जाएगी, लाइट आ गया जब भी चालू ना करें, दो 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 तीन तीन दिन लग गया पानी निकलने में। अच्छा, तो दुकानदारी कैसे होती है? दुकानदारी होगी कहाँ, पानी में कौन आ रहा? अच्छा, बाहर रोड पे ले जाओ तो पुलिस वाले लगा लें, थोड़ी देर बाद बरसात हो जाए इतना पानी भर जाता है इसमें? हाँ, ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे घंटे बारिश होगी इसमें पानी भर जाता है पूरी देर। अच्छा, तो अभी तक कोई इसका निकालने समाधान नहीं निकालना जी कुछ भी? क्या नाम है आपका? गिरिराज। मंडी में सामान लेने आए हम, अब पानी भर रहा है, कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ता है, हाँ। गड्ढा पड़ जाए उसमें गिर जाए तो कौन जिम्मेदार रहेगा? हाँ, इस पानी को निकालना चाहिए। तो अभी कोई निकालने का कोई समाधान नहीं हो पाया इस पानी का? अभी कोई सामान नहीं। अच्छा, काफी इसमें दिक्कत होती है, पानी भरा रहता है, हमें आने को परेशानी रहती है, इसमें लेने का मन नहीं करता है, तो मजबूरी में आना लेना पड़ता है। अच्छा,